Hello everyone, welcome to our YouTube channel, My View My Channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment, visit our website www.teachingpoint.org.in. Start करें question number 4, NCERT. Show how are the following alcohol prepared by the reaction of suitable Grignard reagent on methanol. ठीक है ना, तो हमें ये product बनाना है विद द हेल्प ऑफ मिथेनल. मिथेनल का फॉर्मूला होता है एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच. दिस इज मिथेनल. क्लियर है, हम आंसर प्रोसीड करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, मिथेनल लिया. ठीक है ना, मिथेनल के लिए हमने क्या करी, दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन करी. अब हमें कैसे पता चला कि भाई हमें यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद रख, या हमें यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखना है, ये हमें कैसे पता चला? आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब आप फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराते हैं, मीथानल की ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करते हैं, तो ये मीथानल कन्वर्ट होता है CH2OH. तो ये हमारे पास डिजायरेबल प्रोडक्ट था. तो इस डिजायरेबल प्रोडक्ट में ये जो इतना पार्ट आया कहां से, फ्रॉम मीथानल. और इतना सारा पार्ट कहां से आया, ये This is the R. R किसका, Grignard reagent का, जिसको लिखते हैं हम RMGX. तो इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट CH3CH CH3, देखो CH3CH CH3, R की जगह मैंने Grignard reagent में यूज कर लिया. दिस इज MG और दिस इज BR. क्लियर है, आपको पता है जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या. देखिए, जो हमारा एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच है, इसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल ग्रुप होता है, इट विल एक्वायर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जो एम जी है, इट विल एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. तो आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे, और जो ऑक्सीजन है ये किस पे अटैक करेगा, इस एम जी पे. अल्टीमेटली क्या होगा, ये एम जी इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा. तो देखो, ये हमने ऐड किया ऑक्सीजन के साथ, एम जी बी आर ऐड करा, और सी एच टू के साथ, ये सी और दो एच है, तो सी एच टू के साथ क्या ऐड हुआ, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, दैट इज आर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. क्लियर है. अब हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस किया. जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो, यहाँ से क्लीवेज होगी, तो यहाँ पे आएगा एच और यहाँ पे क्या आएगा, ओ एच. तो अल्टीमेटली इस कार्बन पे क्या गया, ओ एच. तो देखो, ये सी एच टू ओ एच जो हमें कहाँ से मिला, मिथेनॉल से, और ये बाकी सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ये कहाँ से मिला हमें, आर ग्रुप से. बदले में प्रोडक्ट क्या निकला, एम जी बी आर और ओ एच. क्लियर है. तो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट. सो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व कि हमने ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करी. अब देखिए, इसका जो सेकेंड पार्ट है, हम उसको प्रोसीड करेंगे. जिसमें सेकेंड पार्ट है उसमें भी आप देखो क्या दिया हुआ, हमें मिथेनॉल दिया है. मिथेनॉल का मतलब जो हमारा एच सी ओ एच ग्रुप है वो कन्वर्ट होगा सी एच टू ओ एच. तो देखो, इस मेजर जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है उसमें से मैंने सी एच टू ओ एच हटा दिया. जैसे ही हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये साइक्लोहेक्सेन. तो आप देखिए, हम इसमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो साइक्लोहेक्सेन वाला है. क्लियर है. अगेन सेम रिएक्शन, दैट इज एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है. अब आप देखिए क्या होगा, इस पर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा, स्लाइटली नेगेटिव. ये जो नेगेटिव वाला है किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और ये ऑक्सीजन वाला किस पे अटैक करेगा, एम जी पे. तो अल्टीमेटली देखो, एम जी किसके साथ अटैच है, ओ, और ये सी किसके साथ अटैच है, साइक्लोहेक्सेन के साथ. देखो, साइक्लोहेक्सेन के साथ कौन अटैच है, सी एच टू ग्रुप, और ओ के साथ क्या अटैच है, एम जी बी आर. हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्लीवेज होगी, यहाँ पे आएगा ओ एच और यहाँ पे आएगा एच. अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट बनेगा, दिस सी एच टू के साथ क्या जाएगा, ओ एच. देखो, सी एच टू के साथ हमने क्या लगाया, ओ एच. तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल एज अ मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट बना एम जी ओ एच बी आर.